वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हैं कंसेप्ट सब्लिमेशन की एक और नई वीडियो। तो गाइस आज जो वीडियो है हमारी लैनियार्ड हीट प्रेस मशीन से रिलेटेड है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ मशीन क्या किस तरीके से वर्किंग करेगी। लेकिन वर्किंग से पहले मैं आपको मशीन के जो कार्टन पैकिंग है वो ओवरव्यू कराने वाला हूँ। तो गाइस जो बड़ा सा बॉक्स आपको दिख रहा है ये पूरा वुडन का बॉक्स है, इसके अंदर हमारी मशीन है। आज हम अनबॉक्स करेंगे मशीन को कि अंदर से मशीन की पैकिंग किस फॉर्मेट में आएगी, क्या तरीके की आएगी। अगर बॉक्स को मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊं तो पूरा टोटली कवर्ड है वुडन से। ये आप ये देख सकते हो, ऊपर ये लॉक लगे हुए हैं। हम सारे लॉक ओपन करेंगे अभी, तो इसमें आपको ये आइडिया मिल जाएगा आपको लॉक किस तरीके से ओपन करना है, मशीन किस तरीके से पैकिंग के अंदर आएगी। तो गाइज मैं करता हूँ शुरू। सबसे पहले मैंने एक स्क्रू ड्राइवर लिया है अपने साथ। लॉक को मैं सबसे पहले इस बस सीधा करूंगा, जितने भी लॉक्स हैं सारे सबको मैं इसी तरीके से सीधा करूंगा। थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, एक बार मैं हल्का सा इसे पूरा ओपन कर लेता हूँ और फिर एक बार आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये मैंने लगभग लास्ट लॉक है ये जो मैं ओपन करने जा रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, ये ओपन हो गया है। अब मैं हथौड़ी की हेल्प थोड़ी चिलूंगा। तो गाइस ये हमने कर लिया है बॉक्स ओपन। तो ये गाइस हमारी लैनियार्ड हीट प्रेस मशीन। अब आप पैकिंग इसका थोड़ा सा देख लो, इधर भी थर्मोकोल का सपोर्ट लगा हुआ है, इधर भी थर्मोकोल का पूरा सपोर्ट इसके अंदर दिया हुआ है, इधर बबल का सपोर्ट पूरा दिया हुआ है। मशीन कहीं से कहीं तक भी डेंट नहीं आएगा, मतलब कई ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आएगा ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के भी मशीन में वेट है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मशीन में कहीं डेंट वगैरह लग जाए। तो उस सबसे आप निश्चिंत रहिए, वो बिल्कुल पैकिंग बिल्कुल सेफ आएगा। इसमें एक अंदर की तरफ ये लॉक भी लगाया हुआ है, ये मेटल की पत्ती के साथ ये पूरा लॉक लगाया हुआ ताकि मशीन आपकी कार्टन के अंदर हिले ना। तो सेफ्टी के सबसे सारी चीजों का ख्याल रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आपको मशीन को वर्किंग किस तरीके से करनी है, क्या इसका ऑपरेशन है, वो सब मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। तो एक बार मशीन को मैं ले जाता हूँ एक बार रूम में और फिर एक बार आपको बताता हूँ क्या ऑपरेशन है, क्या इसकी वर्किंग है। तो गाइज मशीन आपने देखी ली ऑलरेडी, मैंने आपको पैकिंग का फॉर्मेट बता दिया है। पैकिंग फॉर्मेट किस तरीके से आने वाले, सारा बॉक्स पैक होने वाला है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है आपको सेफ्टी को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, इजीली कहीं भी ये शिप हो जाएगी मशीन। ठीक है, दूसरा इसके बाद में जो चीजें हैं जो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो एक ऑपरेशनल वीडियो, आपको मशीन किस तरीके से चलानी है, क्या टेम्परेचर टाइमिंग इसके अंदर सेट करना है, लैनियार्ड आपको किस तरीके से प्रिंट करनी है। देखो लैनियार्ड का एक आइडिया मैं आपको दे दूँ, लैनियार्ड मैंने कुछ प्रिंट की हुई है, जैसे ये लैनियार्ड है, मैंने कुछ प्रिंट की हुई है। तो ये बेसिकली होती है लैनियार्ड, या और थोड़ा सा मैं कैमरा को पास अगर करके दिखाऊं मैं आपको, ये है बेसिकली लैनियार्ड्स, जो आई कार्ड की डोरी आप एक देसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जो आई कार्ड नीचे की तरफ लग जाएगा तो वो वाली डोरी है ये। तो बेसिकली ये तो सिर्फ आपको कंसेप्ट रहेगा इसके अंदर लैनियार्ड का, कि आपको लैनियार्ड प्रिंट किस तरीके से करनी है, क्या मशीन है, कैसे फंक्शन करेगी। इसके अलावा और भी सारी चीजें, आई कार्ड आपको कैसे असेंबल करना है, उसके लिए एक अलग से वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल लैनियार्ड हीट प्रेस मशीन को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल मशीन कर दी हमने चालू। इसमें सिंपली जो इसका साइज की अगर मैं बात करूं, साइज जो इसका आएगा 10x40 इंच आएगा, 10 इंची इसका विड्थ होगा, 40 इंची इसका लेंथ। तो साइज इसका जो है 10x40 इंच है। हमने ये सिंपली ये इसमें MCB टाइप दिया हुआ है, हम लोगों ने पावर केबल पीछे लगा दिया बोर्ड के अंदर, और जो टेम्परेचर हम लोगों ने इसके अंदर सेट किया हुआ है, ये ऑन ऑफ का बटन है इसका, हमने ये ऑफ कर दिया मशीन यहाँ से, और सिंपली इसे वापस से प्रेस करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने इसके अंदर सेट किया हुआ है टेम्परेचर 200°C पर 60 सेकंड के लिए सेट किया हुआ है। सेट आपको किस तरीके से करना है, अभी जो हमने सेट किया हुआ है 200 पे 60 सेकंड सेट करा हुआ है, 199 मशीन पहुंच गई है, और जैसे ही आपकी 200 पहुंचेगी तब हमें प्रिंटिंग चालू करनी है। टेम्परेचर किस तरीके से सेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेट का बटन मैंने एक बार प्रेस करा, ये जब मैंने सेट का बटन फर्स्ट टाइम प्रेस करा नीचे टेम्परेचर आ गया कम करने के लिए, डिक्रीज के लिए। तो सेट का बटन हम लोगों ने प्रेस करा, ये आपका करंट टेम्परेचर आ गया, सेट का बटन हमने फिर से प्रेस करा, ये इसका टेम्परेचर है 190 हम लोगों ने सेट किया हुआ है, हम इसे सेट कर देंगे 200, ये डिक्रीज करने के लिए बटन 200 हम लोगों ने सेट कर दिया। सेट का बटन फिर से प्रेस करा, ये 60 सेकंड्स आ गया। टाइमिंग अगर हमें इंक्रीज करना है तो ये इंक्रीज के लिए बटन है, और डिक्रीज करना है तो डिक्रीज के लिए ये वाला बटन है। फिलहाल हम 60 सेकंड्स रखेंगे इसे, 60 सेकंड्स हमने रखा हुआ है। सेट का बटन फिर से हम लोगों ने प्रेस करा, तो अभी 198 है, 200 पहुंचेगा तब हमें प्रिंटिंग चालू करनी है। 60 सेकंड्स का हम लोगों ने टाइम दिया हुआ है,
देखो इसमें आप प्रिंटिंग प्रोसेसर मैं आपको बताने वाला हूँ, और दूसरा इसके अलावा देखो जैसे अभी प्रिंटआउट मैंने निकाला हुआ है, अगर प्रिंटआउट की मैं इसकी बात करूँ तो जरूरी नहीं है आप ये जो प्रिंटर प्रिंटआउट है ये आप अपने छोटे प्रिंटर से नहीं निकाल सकते, आप अपने छोटे प्रिंटर से भी इस प्रिंटआउट को निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको बड़ा प्रिंटर ही चाहिए इसके लिए। इसकी एक छोटी सी वीडियो और जल्दी हम लोग अपलोड कर देंगे, अदरवाइज व्हाट्सएप पे हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, वो आप व्हाट्सएप पे आप ले सकते हैं हम लोगों से वीडियो की, छोटे प्रिंटर के अंदर से आपको अगर ये रोल फॉर्मेट में प्रिंटआउट आपको अगर निकालना है तो किस तरीके से आप निकालोगे लैनियर्ड के लिए, उसके लिए वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो एक बार प्रिंटिंग प्रोसीजर की तरफ हम लोग अगर चलेंगे, मैंने लैनियर्ड कुछ ऑलरेडी कटिंग की हुई है, मैं सबसे पहले तो आपका जो पेपर है वो पेपर एक बार इसके ऊपर लगा लेता हूँ, पेपर वेट का मुझे एक बार यूज करना पड़ेगा माइनस। तो गाइस ये मैंने रख लिया, इसके ऊपर मैं फिलहाल टेपिंग इसके ऊपर कर रहा हूँ, सिंपली मैंने एक बॉर्डर बनाया हुआ है, बॉर्डर का ध्यान रखते हुए मैं टेपिंग इसके ऊपर कर रहा हूँ, मैंने टेप लगा दिया और थोड़ा सा आगे की तरफ एक टेप और लगा देते हैं। That's fine. आप इसी तरीके से टेपिंग कर देंगे जहां जहां पर आपको लगता है कि लैनियर्ड आपकी हिल सकती है, तो हमने सिंपली टेपिंग कर दिया ये। और इसके अंदर तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि उसके लिए कि प्रिंट आपको कैसे निकालना है छोटे प्रिंटर से बड़े साइज में, इसके लिए अलग से जल्दी एक वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप के लिए एक छोटी सी क्लिप हम लोगों ने बनाई हुई है कि आपको वीडियो प्रिंटआउट किस तरीके से निकालना है, बस आपको जो है रोल फॉर्मेट में पेपर चाहिएगा और आपको A4 साइज के प्रिंटर से बिना किसी नए सॉफ्टवेयर के, बिना किसी न्यू सॉफ्टवेयर के आपका काम हो जाएगा, आप उसी प्रिंटर से अपना निकाल पाएंगे, भले वो एप्सन का आपका L805 हो या आपका L130 प्रिंटर हो। ठीक है, ये 10 इंच की है बेसिकली जो विड्थ है इसकी, और जो लैनियर्ड है हमारी वो करीबन 1 इंच चौड़ी है, तो हम जो है इसके अंदर 10 लैनियर्ड एक साथ में लगा सकते हैं, 10x40 इंच की मशीन ये होती है। तो जितना भी अच्छे से मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा उतना तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको जो बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है एक बार वो कैटलॉग में भी हमारे मिल जाएगी। और गाइज प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें कुछ बीच बीच में इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा वो छूटे ना, अदरवाइज आपका फिर पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगा, आप पूरा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए तो आपको जो प्रॉपर गाइडेंस है वो पूरा मिल जाएगा किस तरीके से आपको कहाँ क्या चीज़ें रखनी है। ये हम लोग लगा देते हैं लास्ट में एक टेप, ठीक है, हमने इधर का होल्ड कर दिया है, अभी लास्ट वाला लैनियर्ड हमारा रह गया है, मैं लास्ट वाला लैनियर्ड एक बार लगा देता हूँ फिर एक बार आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये मैंने कर दिया टेपिंग फिलहाल इसके ऊपर, और ये मैं लैनियर्ड को रख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, हल्का स्लाइड कर देता हूँ इधर की तरफ, सिंपली मैंने कर दिया, और मशीन का टेम्परेचर हम लोगों ने सेट कर दिया था तो मैंने प्रेस कर दिया मशीन को, और प्रेस करते ही टाइमिंग इसके जो है स्टार्ट हो गई है, अभी जैसे 60 सेकंड्स ओवर होगी तब मशीन बीप करेगी, तब हमें अपना आइटम निकाल लेना है। और अगर देखो लैनियर्ड रोल की मैं आपको बात करूं, जैसे ये इस तरीके से लैनियर्ड रोल आपका आएगा, ये फिलहाल 1 इंची में, इसमें भी काफी तरह तरह के लैनियर्ड आते हैं, ये तो सिंपली साटन के अंदर है 1 इंची चौड़ा, इसके अंदर आपका साटन के अंदर ही आधा इंची चौड़ा भी आता है, मतलब विड्थ की मैं बात कर रहा हूँ, ये 100 मीटर का लंबा 100 मीटर इसकी लेंथ रहती है। इसके अलावा जैसे तो साटन में बिल्कुल प्लेन जैसा है, आपको दिखाऊं बिल्कुल ये प्लेन जैसा इस तरह का, इसके अलावा ट्यूब जैसे भी आते हैं, मतलब उसके ऊपर भी आप प्रिंटिंग कर सकते हो, बिल्कुल पाइप जैसा रहता है वो, उसके ऊपर भी आप लोग प्रिंटिंग कर सकते हो, अलग अलग तरह के लैनियर्ड आती है, वो एक बार को मैं आपको पूरा बता दूंगा जब आप व्हाट्सएप के ऊपर इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, यहाँ तो जितना डिटेल में हो पा रहा है मैं उतना आपको बता रहा हूँ, बाकी इसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। तो फिलहाल 10 सेकंड्स इसके अंदर बची हैं, एक बार मशीन की तरफ मैं आपको दिखा देता हूं और बाकी ओवर होती है फिर मैं एक बार आपको दिखाता हूं। मैं मशीन बीप कर रही है और इसे उठा लेता हूं, मशीन ने बीप करना कर दिया है बंद, और लैनियर्ड को मैं निकाल लेता हूं। यहां देखिए आपका हो गया इधर से ट्रांसफर, हम लोगों ने अपनी कंपनी का करा है एनीथिंग टू एवरीथिंग इन सबलिमेशन, और एक साथ ही में हमने एक HDFC बैंक का भी इधर ये करा हुआ है। देखो इसमें तो आपको बस डिटेल ये मैं आपको मैं दे पा रहा हूँ कि आपको लैनियर्ड प्रिंट किस तरीके से करनी है, इसके अलावा असेंबलिंग किस तरीके से करनी है, क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर है, लॉक के, लॉक का मैं आपको बताऊँ, लॉक में किस चीज की बात कर रहा हूँ,
ये देखो हमने लैनियर्ड प्रिंट कर दिया है, परफेक्ट आ गया बिल्कुल। मैं लॉक की अगर बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले लॉक की, जो लॉक है। इसके अलावा आप आई कार्ड आगे लगाओगे उसकी भी वीडियो हम लोग एक शॉर्टली अपडेट का अपलोड करेंगे। अभी इसमें सिर्फ आपका ये हो गया कि लैनियर्ड आपको प्रिंट किस तरीके से करनी है प्रॉपर। इसके बाद में एक वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा जिसके अंदर हम लोग आप आई कार्ड का पूरा सेटअप बताएंगे कि आपका जो लैनियर्ड ये है इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, आपका जो डोरी होता है आई कार्ड का वहां पर ये यूज होती है, उसका पूरा एक सेटअप पूरा एक डिटेल्ड वीडियो उसके अंदर हम बना देंगे जिसके अंदर आपका होगा डिफरेंट शेप ऑफ आईडी कार्ड्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, लैनियर्ड किस किस तरह के आपको किस तरीके से असेंबल करना है वो सारी चीजें हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर देंगे। तो गाइज यही था बस आज की वीडियो में, मैंने आपको मशीन का पैकिंग कंसेप्ट बता दिया किस तरीके से मशीन आपकी पैक होकर के आएगी, मशीन का ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है, इसका आपको जो वेट है लेंथ है वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है, और कॉस्टिंग के आइडिया के लिए आप प्लीज व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पर आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, प्राइसेस से रिलेटेड साइजेस से रिलेटेड सारा आपको इन्फॉर्मेशन कैटलॉग के अंदर भी मिल जाएगा। तो गाइज करते हैं वीडियो को एंड इसी जगह, और गाइज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो गाइज जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नमस्कार, शुक्रिया।